بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه बसमीम् असल नाजरीन बी ए लाजमी कोर्स कोर्ट चार सौ सोलह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िया खुरम हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है सुररात अजीज़ तलबा पिछले प्रोग्राम में सुरजरात की पहली आठ हयात की तलावत तर्जुमा आपने सुनने की शहादत हासिल की इसके साथ साथ आयात में मौजूद हदायात की तफसील भी हमारे मोज़ मेहमान ने आपके सामने पेश की थी आज के प्रोग्राम में सुल हजरात की अगली आयात की तलावत और तर्जुमा सुनने की हम शादत हासिल करेंगे इसके साथ ही आयात की तफसील जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर महुदी हाशमी साहब जिनका ताल्लुक लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुलिया अरबी और इस्लामियात के शोबा फ़िक्र इस्लामी से है सबसे पहले मैं दावत दूँगी जिनाब कारी रफ़ीद्दीन साहब को कि वो हमें आयात की तलावत तर्जमा सुनाएँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक़ आपस में लड़ पड़े तो इनमें सुलह करा दो और अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो गुरु अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए बस अगर वो पलट आए तो दोनों के दरमियान मुसावात के साथ सुला करा दो और इंसाफ से काम लो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है जजाकल्ला आयत नंबर नौ की तिलावत और तर्जुमा सुनने की आपने शहादत हासिल की अब मैं प्रोफेसर साहब को दावत दूँगी कि वो इस आयत में मौजूद हदायात जो भी अल्लाह ताला ने दी हैं उसकी तफसील हमारे तलबा को बयान फरमाएँ बसमीम अलहदिल्ल रबालमीन अला वसलाम सैदसलीम जैसा कि आयात करीमा की तलावत हुई है इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पिछले प्रोग्राम में सूरह हुजरात की इब्तदाई आयात में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और उनसे गुफ्तु करने का तरीक़ा और उनके साथ अपना ईमान का ताल्लक़ वाबस्ता करने का जो तरीका है वो समझाया गया था जी। गोया इब्तदाई हिस्सा आदाब नबवी की तलीमत पर मुश्तमिल था जबकि ये हिस्सा जिसकी आज तिलावत हुई है ये बुनियादी तौर पर आदाब मुआशरत पर मुश्तमल है कि एक इंसान अपने दूसरे हम जिन इंसान से और एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से कैसे सलूक करेगा और माशरे में अपना जो किरदार है वो कैसे अदा करेगा इस हवाले से जैसे कि इब्तदाई आयत की तलावत हमने सुनी है इसमें इस, इस हवाले से हमें तालीम दी गई है कि अगर ख़ुदा न खास्ता एक मुस्लिम सोसाइटी में कोई ऐसी हाल पेश आ जाती है कि मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ते हैं तो ऐसी सूरत हाल में एक मुसलमान के लिए या एक मुसलमान हुकूमत के लिए क्या लाया अमल होना चाहिए तो बुनियादी तौर पर इन आयत में इस चीज़ की वजाहत की गई है इसमें जो बुनियादी नुक्ता समझने का है वो ये है कि इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है वो ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि इस्लाम तो अखोत और भाईचारे की तालीम देता है यानी मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे हैं तो किन बुनियादों पर मुसलमान आपस में लड़ते हैं एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम या मुसलमान माशर या गैर मुस्लिम माशरे आपस में लड़ते हैं तो कुछ बुनियादें होती हैं कभी मजहब की बात आ जाती है कभी सियासत की बात आ जाती है तो यहाँ पर मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़ रहा है हाँ ये एक बड़ा बुनियादी नुकता है समझने का आ, और इसमें आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या वर्ल्ड व्यू पेश करता है ये एक बुनियादी चीज़ है कि हर मज़हब और हर फिक्र और हर फलसफ़े का एक बुनियादी वर्ल्ड व्यू होता है एक एहतदी निज़ाम होता है जो हर फिक्र और हर फलसफ़े और हर दिन की तरफ से पेश किया जाता है इस्लाम का जो वर्ल्ड व्यू है जो एहतिक का निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर यह है कि इस कायनत का खालिक और मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और इंसान उसका खलीफा और नायब है और तमाम इंसान हज़रत आदम आ औलाद है उस और इस रिश्ते के हवाले से तमाम इंसानियत जो है वो एक फैमिली की तरह है बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए फ़रमाया था कि अल खल्क अयाल्ला तो अल्ला की मखलूक है वो अल्लाह की एक फैमिली है अल्लाह ताला का एक कुंबा है और उसमें जो सबसे बेहतर शख्स वो है जो अल्लाह के इस कुंबे के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करता है तो इस्लाम का जो वर्ल्ड व्यू है वो तो बुनियादी तौर पर यह है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी फिर किसी भी रंगत किसी भी ज़बान किसी भी कौमीत का हामिल हो उसके साथ एक इंसानी हमदर्दी और सलामती और अमन का ताल्लक आ, रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है और यही वर्ल्ड व्यू अगर आप देखें तो हमें नज़र आता है कि इस्लाम का लघवी माना क्या है इस्लाम का माना सलामती है ईमान का जो लघवी माना है वो अमन से है इस्लाम सलामती से है ईमान अमन से है तो जिस रिलिजन का जो टाइटल है वो अमन और सलामती के नाम पे मबनी हो तो आप ख़ुद सोच लें कि उस मज़हब की पूरी जो तलीमत हैं वो इसी बुनियादी फलसफे और फ़िक्र पर मबनी है कि पूरी इंसानियत अल्लाह ताला का कु, एक कुंबा है और वो आपस में भाई भाई है अलबत् ये जाहिर है कि जो एक मुसलमान का एक गैर मुसलिम से ताल्लक़ है और एक मुसलमान का एक मुस्लिम से ताल्लक़ है उसमें फ़र्क ये है कि एक बतौर इंसान तो हर इंसान के साथ एक मुसलमान का मोहब्बत अख़वत और मसावत का रिश्ता होगा क्योंकि okay. वो हज़रत आदम की औलाद है और अल्लाह की फैमिली है जैसे कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन चूँकि जैसे कि एक फैमिली में भी आपका एक तल्लक एक रिश्तेदार से ज़्यादा करीबी होता है दूसरे से ज़रा वो तल्लक कमज़ोर होता है okay. तो जो उस फैमिली के वो अफराद जो एक ही वर्ल्ड व्यू को शेयर कर रहे हैं जो एक ही फिक्र और फ़लसफ़े के पाबंद हैं जो इस्लाम की बुनियादी तालीमत के पैरोक हैं तो जाहिर है कि उनका जो आपस में ताल्लुक़ होगा वो बन नस्बत दूसरों के बहुत ज़्यादा मज़बूत और आपस में करीब तर होगा इस पस मंज़र में और इस वर्ल्ड व्यू की रोशनी में जो इंसानों का और मुसलमानों का जो आपस में ताल्लुक है उसकी बुनियाद तो इससे वाज होती है लेकिन आ, ये भी एक फितरी चीज़ है कि जहाँ इंसान एक माशरती शक्ल में मिलजुल के रहते हैं तो वहाँ इख्तलाफ होगा वहाँ लड़ाई की भी नौबत पहुँचेगी तो अगर ख़ुदा न खास्तः ऐसी सूरत आती है तो मुसलमानों को ये ताक़ीद की गई है कि वो सबसे पहले मुसालहत का रास्ता इख्तियार करें और जो दो फरीक़ हैं उनको आपस में मिलाने की कोशिश करें हज़ूर अक्रमली वसलम का एक इर्शाद है बल्कि आप सलील वसलम ने सब कराम से एक दफ़ा इस्तफ़ार किया कि क्या आपको ये इल्म है कि नमाज और रोज़े और सदक़े से भी बढ़कर कौन सी इबादत है कौन सा भी अमल अमल है जो अल्लाह के नज़दीक उससे अफजल है तो क़राम ने नेर्ज़ किया कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा अमल है तो हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो भाइयों का या दो लड़ने वालों का आपस, आपस में उनकी सुलह करा देना ये एक ऐसा अमल है जो इन बड़ी बड़ी इबादात से भी फायक है तो ये आयात बुनियादी तौर पर हमें ये तालीम देती हैं कि एक सोसाइटी को एक इंसानी सोसाइटी को और एक मुस्लिम सोसाइटी को आपस में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा इस आयत की रोज़ से प्रोफेसर साहब ने जैसे बयान किया हम सब मुसलमानों को आपस में इतफाक़ से रहना चाहिए और जब अगर कोई दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े दो मुसलमान भाई आपस में लड़ पड़े तो उनमें अच्छे तरीके से सुलह करवानी चाहिए और इंसाफ़ से काम लेना चाहिए अब अगली आयत की तलावत के लिए मैं कारी साहब को दावत दूंगी। जी कारी साहब إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. मुसलमान तो आपस में बाई बाई हैं अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए या मन को لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا عسى خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ए मोमिन कोई कौम किसी कौम से मजाक न करे मुमकिन है कि वो लोग इनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों से तबर करें मुमकिन है कि वह इनसे अच्छी हों और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ और ना ही एक दूसरे का बुरा नाम रखो ईमान के बाद फिस्त का नाम भी बुरा है और जो लोग तोबा ना करेंगे वही लोग अपनी जानों पर जुल्माने वाले बनेंगे जजाकल्ला इन आयत का तर्जुमा सुनने से भी आपको पता चला होगा कि बहुत सारी माशरती जो हमें बुराइयाँ हैं जैसे हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारते हैं एक दूसरे को आ, एक दूसरे का ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं जैसे दूसरा कुछ भी नहीं है अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं तो इसकी मजीद तफसील हमारे प्रोफेसर साहब बताएंगे लेकिन उससे पहले मैं इनसे ये सवाल करूँगी कि यहाँ पर जो बयान किया गया कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो तो आजकल हम बच्चों के जो निक नाम रख लेते हैं या उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं तो क्या ये भी बुरे नामों में आता है कि इनको बुरे नामों से पुकारा जा रहा है इसमें वही तसलसल है जो हमने अर्ज़ किया कि आदावरत बयान हुए हैं और एक इंसानी सोसाइटी में उसके फ़र्द के तौर पर रहने के जो आदाब हैं वो क्या हैं उनकी इनमें भी तफसील आई है इस हवाले से कुरान की ये जो आयात हैं इन में तीन चीज़ों की ममानियत की गई है जो माशरती कबाह आप उनको कह सकते हैं माशरती बीमारियां आप उनको कह सकते हैं जो हर सोसाइटी में पाई जाती हैं और बदकिस्मती से आज की जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं तो उनमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि दूसरे का मज़ाक उड़ाना इस्तेहजा करना तो करना ये एक ऐसा अमल है जिसको कुरान मजीद ने बहुत बुरा कहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि क़ुरान मजीद ये कहता है कुरान मजीद की आयत है वलकद कर बनी आदम कि हमने बनी नो इंसान को करामत बख्शी है उसको हमने बड़ा बुलंदर दर्जा, दर्जा दिया है और बड़ा फाइक दर्जा दिया है और शुर की जो आयत है लक़त खलक नल इंसान अभी अहसन तकवीम हमने इंसान को एक बहुत ही अच्छी हालत में एक बहुत ही सुपीरियर फॉर्म में उसको पैदा, पैदा किया, किया है किया। तो इंसान जो है वो खालक कायनात का एक शाहकार है जो उसने इस दुनिया में तख्लीक़ किया है और इंसान की जो वर्थ है जो उसकी असल कीमत है वो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसकी शख्सियत है वो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको एवेल कर लें जैसे कि हमारे यहाँ जो तमस्कर किया जाता है बुनियादी तौर पर किसी की जिस्मानी ऐब हो तो उस पर तमस्कर किया जाता है किसी का कद छोटा है आ, किसी की आँखों में कोई मसला है किसी की बातचीत में को ऐसी, आ, कोई ऐसी कोई ऐब वाली बात है किसी का रंग स्या है तो ये चीज़ें जो ज़ाहरी इंसान की जिसम के हवाले से हैं उसको पेश नजर रखते हुए हम उसको एवेलुएट करते हैं उसका दर्जा बनाते हैं इसमें देखा जाए तो ये अल्लाह ताला की तखलीक का हम मजाक उड़ा रहे हैं यानी अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो उस बनाने वाले का हम मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि फलां काला है लंबा है छोटा है मतलब इस तरह की चीज़ें तो इन आयात में तो बहुत वाजह तौर तो पर बता दिया गया कि किसी का मजाक ना उड़ाएं आप बिल्कुल ये दुरुस्त पॉइंट है आपका कि इसमें बुनियादी तौर पर हम उसका तमस्कर नहीं उड़ा रहे होते बल्कि उसके बनाने वाले का तमस्कर बना रहे होते हैं अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है और उसमें हमें कोई ऐब नज़र आता है अगरचे खाले के काय की जो भी चीज़ है उसमें किसी ऐप का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन अगर कोई उसमें कोई डिफेक्ट निकालता है तो उसका मतलब ये है कि हम शान इलाही में कोई नक्स सामने लाने की कोशिश करते हैं नवज़िल्ला तो ये जो चीज़ है इससे कुरान पाक ने मना किया है इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें बयान हुई है वो ताना जनी और दूसरे को तोहीन आमेज़ लकब जो हैं उनसे याद करना या उनसे बुलाना इससे भी मना किया गया है ये भी माशरती बुराइयों में से है कि किसी को ऐसा नाम दे देना जो एक इंसानी इज्जत इंसानी शराफत इंसानी करामत जो अल्लाह ताला ने उसको दी है आ, उसके ख़िलाफ़ हो तो ऐसा करना जो है वो बिल्कुल मायूब है अलबा जो आपने पूछा था कि आज कल एक रिवाज है कि बच्चों के नाम के साथ ऐसी चीज़ें माएँ या फैमिली के दूसरे अफराद मोहब्बत की वजह से आ, या उसकी एक मुख्तसर सा नाम उसके तारफ़ के लिए वो अगर लगा दिया जाता है तो ये शरण मायूब नहीं है उसमें उस, उस फलासफ़ी को समझना चाहिए कि जो शरीय की ममानियत की फ़लासफ़ी है कि दूसरे का तमशर उड़ाना इसतज़ा करना दूसरे को इनफीरियर समझना जब ये फ़िलासफी पीछे काम कर रही होगी तो हम कहेंगे कि यह शरण उसने ऐसा अमल किया है जो अल्लाह को पसंदीदा नहीं है जजाकल्ला अजीज़ तलबा इन इस आयत की तफसील जानने के बाद आपको पता चला होगा कि किस तरह एक दूसरे का मजाक उड़ाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है एक दूसरे पे को बुरे नामों से पुकारने से मना फरमाया है एक दूसरे कीबत करने से मना फरमाया है ये माशरे की वो बुराइयाँ हैं जिनको अपनाने से माशरा पूरा माशरा ख़राब होता है और हम एज ए मुस्लिम या बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों से बचने की तरगीब दी है नायात में तो इनको पढ़ने के बाद या इनसे पहले भी जब हमें मालूम हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से बच सकें अजीज़ तलबा अगर आप अपने निसाब में शामिल सुरल हजरात की इन आयात की तलावत और तर्जुमा के बाद जो आपने तफसल सुनी इस पर अमल पैरा होंगे तो आप बहुत अच्छे शहरी और बहुत अच्छे मुसलमान बन सकेंगे हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको अच्छे शहरी और अच्छे मुसलमान बना सकें हम उम्मीद रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने भरपूर इस्ता किया होगा प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं अपने मोज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ शुक्रिया प्रोफेसर साहब शुक्रिया ख़ारी सबाब अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए अपनी मेजबान नाजी हुरम को अल्लाह ने गहबानाह الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان